हेलो, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। मेरा नाम है राज, आप देख रहे हो आलम कैड। चैनल पे नए तो अभी कर लो सब्सक्राइब, और अगर आप ऑटो कैड यूज़र है तो आपको कभी ना कभी इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा होगा शायद। और अभी तक आपने इस प्रॉब्लम को फेस नहीं किया है तो हो सकता है इन फ्यूचर आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़े। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये एक्चुअली है क्या, आप ऑटो कैड यूज़ कर रहे हैं, उसमें कुछ वर्क कर रहे हैं और ऑटोमेटिकली आपके सॉफ्टवेयर क्विट कर जाता है। तो जब क्विट होता है तो आपको करना क्या है, थ्री कंडीशंस होते हैं। अगर आपका ऑटो कैड करप्ट हो चुका है तो ये अपने आप क्विट हो जाता है, या फिर आप इसे डायरेक्टली क्लोज कर देते हो, जैसे कि आप वर्क कर रहे हो और आपने ड्राइंग सेव नहीं किया, डायरेक्ट क्लोज कर दिया यानी शट डाउन कर दिया, तो ये प्रॉब्लम आती है। तीसरा, अगर आपका लाइसेंस फेल्ड हो चुका है तो ये प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे आपको मिलता है फीडबैक का ऑप्शन, तो आपको यहाँ टाइप करना है कुछ इस तरह से कि हेलो ऑटोडेस्क टीम, प्लीज़ फिक्स माय प्रॉब्लम, माय सॉफ्टवेयर इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। उसके बाद आपको यहाँ पर सेंड कर देना है। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करके और उसके बाद फिर से सॉफ्टवेयर को रीइंस्टॉल कर ले आप। जनरली होता क्या है, बहुत लोग सॉफ्टवेयर को बहुत वक्त से यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि 2010, 2015, 2016, 2018 उसके बाद भी यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि एक मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन होता है, उसके बाद भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो फिर आप को इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। होप दिस इंफॉर्मेशन विल सॉल्व योर इशू। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़, थैंक यू सो मच। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो।